नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आपका JET का जो चॉइस फिलिंग का प्रोसेस था वो स्टार्ट हो गया है। 8 तारीख से 13 तारीख के बीच में आप अपनी JET की चॉइस फिलिंग कर सकते हो। लेकिन आपको बता दूँ कि आपको जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, ये वीडियो पूरा देखना है। यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल गाइड करने वाला हूँ किस तरह से आपकी चॉइस फिलिंग करनी है आपको। और इस बार जोधपुर यूनिवर्सिटी ने जो अपनी चॉइस फिलिंग करने की साइट में जो बदलाव किया है, सच में काबिले तारीफ है। क्योंकि इस बार आपकी JET की जो चॉइस फिलिंग है, हर बार गलती हो जाती थी स्टूडेंटों से, कहीं ना कहीं वो गलती से प्राइवेट कॉलेज भर देते थे। लेकिन इस बार आपके प्राइवेट कॉलेज भरने की जो गलती है वो इस बार नहीं होगी, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दे करके अपनी चॉइस फिलिंग को करते हो। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको लैपटॉप चलाना आता है थोड़ा बहुत भी, तो आप अपनी चॉइस फिलिंग खुद से कर सकते हो बड़ी आसानी से, बिगर किसी गलती के। तो वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि आप अपनी चॉइस फिलिंग किस तरह से कर सकते हो, किस तरह आपको अपनी यूनिवर्सिटियों को रखना चाहिए, और एंड में मैं आपको बताऊँगा किस तरह से आप मेरे द्वारा तैयार की गई जो चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट है वो ले सकते हो। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। अगर आप इस वीडियो को थोड़ा टाइम दे करके देखते हो तो ये आपके आगे के 4 साल बचा सकता है, क्योंकि ये आपका एक बहुत बड़ा स्टेप है एक कॉलेज में जाने का। तो इस स्टेप को आपको बहुत अच्छे से फॉलो करना चाहिए बिगर किसी गलती के। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले जान लेते हैं कि आपको चॉइस फिलिंग में कौन सी कॉलेजों को ऊपर रखना है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको 5 यूनिवर्सिटियों को ऊपर रखना है, उसके बाद में उन 5 यूनिवर्सिटियों के सब कैंपस है उनको रखना है। अब आप सोचोगे, यार हमें तो 5 यूनिवर्सिटियों के बारे में पता नहीं है, 5 सब कैंपसों के बारे में पता नहीं है। लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा उसके लिए क्या करना है, और आपको पता है तो मैं बता रहा हूँ उसको सुनिए, है ना। तो आपने 5 यूनिवर्सिटियों को रख दिया, उसके बाद में उनके सब कैंपसों को रख दिया, उसके बाद में जो भी पुरानी कॉलेजें हैं उनको आपको रखना है, और उसके बाद में जैसे जैसे क्रम में नई कॉलेजें खुली है, जैसे 2020 में आपका पीथमपुरी, छिंदघोटी, झल्ली, ये आपके कॉलेज खुले थे उनको रखना है, उसके बाद में जो उसके बाद नए कॉलेज खुले थे उनको, और जो लास्ट ईयर में खुले थे 4-5 कॉलेज, जैसे माचड़ी में खुला था आपका एक, तो ऐसे आपको अपनी कॉलेजों को अरेंज करना है। इसमें क्या बदलाव कर सकते हैं, इसमें ये बदलाव कर सकते हैं, अगर आपके पेमेंट की कोई दिक्कत नहीं है, आपके कम मार्क्स आ रहे हैं, या आपको यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लेना है, तो आप 5 यूनिवर्सिटियाँ भरने के बाद में आप पेमेंट सीट के लिए अप्लाई कर सकते हो उन 5 यूनिवर्सिटियों में। या हो सकता है कि आपको MPUT में ही जाना है, किसी भी हालत में जाना है, या आपके नंबर कम आ रहे हों, तो आप MPUT को फर्स्ट प्रेफरेंस दे करके सेकंड प्रेफरेंस उसकी पेमेंट सीट को दे सकते हो, है ना। तो इस तरह से आप आपकी चॉइस फिलिंग कर सकते हो, प्रेफरेंस लिस्ट बना सकते हो। अब आपको करना क्या है, अब आपको करना यह है कि आपको खुद से अपने माइंड से अपने आपको कहाँ जाना है उस हिसाब से आपको चॉइस प्रेफरेंस खुद से तैयार करोगे ना। देखो काफ़ी टाइम है, ऐसा नहीं है कि आपका टाइम निकल जाएगा 13 तारीख का, कल दिन में बैठ करके अच्छे से रिसर्च करके आप सब कुछ कर सकते हो। रिसर्च करने की आपको ज़रूरत भी नहीं है, सारी लिस्ट डली हुई है आपकी इस साइट पर, और वहाँ से आप उस लिस्ट को निकाल करके कि 5 यूनिवर्सिटियाँ मेरे को डालनी है, उसके बाद में उनके सब कैंपस डालने हैं, उसके बाद में गवर्नमेंट कॉलेज डालनी है, और नई कॉलेजों में आपको क्या करना है, नई कॉलेजों के बारे में मैं आपको बता दूँ, जो आपके घर के पास में है ना उसको उठा करके पहले डालना है। ये नहीं कि भाई टोडा भीम वाली कॉलेज है और एक बैराउंड वाली कॉलेज है, लेकिन बैराउंड वाली कॉलेज अच्छी है, टोडा भीम वाली कॉलेज अच्छी नहीं है, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना है नई कॉलेजों के बारे में। अधिकतर कॉलेजें नई कॉलेजें सारी कॉलेजों की हालत एक जैसी है, तो इससे अच्छा ये और होगा कि आप उदयपुर से अलवर ना आकर के अलवर से अलवर की कॉलेज में एडमिशन ले लें। क्योंकि अगर आप उदयपुर से अलवर आ रहे हो नई कॉलेज के लिए, आपसे किसी ने बोल दिया कि अलवर में बहुत अच्छी कॉलेज है, तो ये आपको आगे जाकर पछतावा होगा। आप वहाँ से यहाँ पे आ रहे हो, अलवर के स्टूडेंट है जो अपने रोज़ घर जा रहे हैं, तो वो आपको पता चलेगा। लेकिन अभी आप कर सकते हो, इसमें ये अभी आपके हाथ में है, ये कॉलेज में जाना आपके हाथ में, कौन सी कॉलेज में आप जा सकते हो। और अगर आप कॉलेजों को अच्छे से अरेंज करोगे ना, तो जैसे आपको कोई कॉलेज मिला, नई कॉलेज मिल गई, मान लीजिए आपको कोई दूर वाली कॉलेज मिल गई, आपने अच्छे से अरेंजमेंट किया, तो उसके ऊपर अच्छी कॉलेज है, तो आप अपर मूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो, अपवार्ड जिसको बोलते हैं, तो उससे आपको ऊपर की कॉलेज मिलने की संभावना रहेगी। लेकिन अगर आपने पहले ही ऐसी कॉलेज भर दी जहाँ पर आपको मिल गई और आपको जाना है, वो कॉलेज आपने उस प्रेफरेंस से नीचे रखी है, तो आपके पास कोई चांस नहीं रहेगा उस कॉलेज में जाने का। तो इसलिए आपसे बोल रहा हूँ कि जो नई कॉलेजें हैं उनको अपने
दूरी के हिसाब से खुद से सेट करो। ये किसी के चक्कर में मत पड़ो कि हमारी तो काउंसलिंग वो कर देगा वो कर देगा। भाई कोई कुछ नहीं करेगा, अगर करेगा ना तो बंदे ऐसे 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 बंदे बैठे हुए हैं जो आपसे पैसे ले लेंगे, एक कॉमन लिस्ट होता है जिसको एक ई मित्र वाले को दे देंगे या किसी कंप्यूटर ऑपरेटर को दे देंगे, वो खट से भर के दे देगा और आप सोचोगे कि मेरी तो काउंसलिंग इसने की है। तो ऐसे फ्रॉड लोगों के चक्कर में फंसना नहीं है, कोई भी कर रहा है तो उससे आप पूरी जानकारी पूरी बातें बता करके, भैया मेरे घर से मुझे ये कॉलेज है, नई कॉलेज है मेरे घर के पास में चाहिए, तो आप उस हिसाब से, और मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कोई कर रहा होगा, और कर रहा है तो अच्छी बात है, आप उससे करवा सकते हो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आपको किसी से काउंसलिंग करवानी है तो आप उसके पास मत जाओ, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि सावधानी आपको बरतनी है, करियर का सवाल आपका है, किसी दूसरे का करियर यहाँ पे बर्बाद नहीं हो रहा है, आपका करियर आपके हाथ में, इसलिए बोल रहा हूँ चॉइस फिलिंग आपको अच्छे से करनी है। अब जो मैंने वीडियो के शुरुआत में बोला था कि अगर आपको लैपटॉप चलाना आता है तो आप काउंसलिंग बहुत अच्छे से खुद से कर सकते हो, तो पहले ये होता था कि जब आपकी चॉइस फिलिंग होती थी तो चॉइस फिलिंग में अल्फाबेटिकली वो यूनिवर्सिटी वो कॉलेज अरेंज होती थी। पहले जैसे आपकी चॉइस फिलिंग होती थी तो वो सारी कॉलेजें वहाँ पर प्राइवेट गवर्नमेंट सब एक जगह होती थी, और मतलब ए पर जो जो कॉलेजों के नाम है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर प्राइवेट यूनिवर्सिटी, ऐसे करके सारी यूनिवर्सिटी एक साथ होती थी, तो उनको आपको ढूंढ करके डालना पड़ता था। लेकिन अब मैं आपको स्क्रीन पर दिखा पा रहा हूँ, आप जब जाओगे तो वहाँ पे आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल रहा है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है या गवर्नमेंट अफिलिएटेड कॉलेज में जाना है या प्राइवेट अफिलिएटेड कॉलेज में जाना है या प्राइवेट कॉलेज में जाना है। तो इसमें से आपको सबसे पहले गवर्नमेंट कंस्टीट्यूट कॉलेज को सेलेक्ट करना कर लेना है, मैं साइड में आपको दिखा पा रहा हूँ। और अगर आपको नई कॉलेजों में जाना है तो गवर्नमेंट अफिलिएटेड कॉलेज, ये आपको सेलेक्ट करके नीचे जो पाँच यूनिवर्सिटियों के नाम है, पाँच यूनिवर्सिटियों के नाम आपको पता ही होंगे, सबसे पहले आपका महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसके बाद बीकानेर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसके बाद SKN, उसके बाद में आपका जोधपुर, और उसके बाद AU कोटा, ये आपकी पांच यूनिवर्सिटी है, इनको सेलेक्ट करना है। और उसके बाद जब आप आगे बढ़ोगे ना, और नीचे आपको एक नॉर्मल और पेमेंट शीट का भी ऑप्शन दिया हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है कि पेमेंट शीट, आप ये सोचो कि पेमेंट शीट के लिए हम बाद में अप्लाई कर देंगे, ऐसा नहीं है। इस बात का आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि आपको चॉइस फिलिंग एक बार ही करनी है। अब ये नहीं है कि एक बार में कि भैया हमारे तो एक बार में समझ में नहीं आ रहा क्या करें, लेकिन चॉइस फिलिंग से पहले आप खुद अच्छे से एक पेन पेपर में, या आप अगर मोबाइल का यूज करना अच्छे से जानते हो या कंप्यूटर का यूज अच्छे से जानते हो तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड में जा करके अपनी कॉलेजों को अरेंज कर लो, और वहाँ से उनका प्रिंट आउट लेकर के हाथ में रख करके सब उसी मैनर में उसी क्रम में अपनी यूनिवर्सिटियों को अरेंज कर दो, है ना। तो क्या करना है कि आपको एक बार में ही अपनी चॉइस फिलिंग करनी है। ये चॉइस फिलिंग में भी लगभग 15 मिनट का, यहाँ पे 15-20 मिनट का टाइमर होता है, अगर आप इतनी देर में अपनी चॉइस फिलिंग नहीं कर पाते हो तो टाइम आउट हो जाता है, दोबारा से चॉइस फिलिंग करनी पड़ती है। तो टाइम का भी थोड़ा ध्यान रखना, कॉलेज लिस्ट अपने हाथ में होना चाहिए चॉइस फिलिंग करते टाइम, और उन चॉइस फिलिंग में जो जो आपके हाथ में कॉलेज है उसी क्रम में आप उनको जमा दीजिए, और जमाने के बाद में आपको 5,000 रुपये पेमेंट करना है। 5,000 रुपये पेमेंट करने के बाद में आपकी वो चॉइस प्रेफरेंस है जो लॉक हो जाएगी। इस बार साफ साफ लिखा हुआ है कि आपके एक बार पे होने के बाद में ये दोबारा आपके पास एडिट करने का ऑप्शन नहीं आएगा, तो इस बात का अच्छे से ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आसान इस बार आपका JET का एग्जाम, जितना आसान इस बार आपका JET का चॉइस फिलिंग हुआ है ना, उसमें ये जो रूल है 5,000 का, ये 5,000 पे करने के बाद में आपके चॉइस फिलिंग लॉक हो जाएगी, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। और ये बदलाव का अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो आप अपनी चॉइस फिलिंग में गड़बड़ कर देते हो, और गड़बड़ करने के बाद में ही आपको पता चलता है कि यार मेरे तो गड़बड़ हो गई, अब मैं सही कर सकता हूँ, तो आप सही नहीं कर सकते हो, है ना। और कोई बाद में ऑप्शन आएगा तो वो अपन देखेंगे, लेकिन अभी तक का यही अपडेट है कि आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो अगर आपको कंप्यूटर वगैरह चलाना आता है तो पहले आपको सेलेक्ट करना है नॉर्मल सीट, पेमेंट सीट, और ऊपर यूनिवर्सिटियों के नाम सेलेक्ट करने हैं। आप आगे जाओगे तो आपके पास स्क्रीन पे ऑप्शन आ जाएंगे, और वहाँ पे आप आराम से सेलेक्ट कर पाओगे। और जब आप इनको सेलेक्ट करोगे ना, गवर्नमेंट अफिलिएटेड कॉलेज, गवर्नमेंट कंस्टीट्यूट कॉलेज, तो आपके सामने गवर्नमेंट कॉलेज ही आएंगे। यहाँ पे सबसे बड़ा जो खतरा था कि प्राइवेट कॉलेज गलती से भरा ना जाते थे, वो यहाँ पे नहीं आएंगे। उसके अलावा आपको 5,000 रुपये का ये ध्यान रखना है कि 5,000 रुपये गलती से भी ई मित्र वाले के अकाउंट से नहीं कटवाना है, आपको आपके अकाउंट से, आपके पिताजी के, भाई के अकाउंट से ही कटवाना है। जिनके कम नंबर है उनके लिए मैं बता दूं कि उनको चॉइस फिलिंग जरूर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपका 5,000 रुपये रिफंड की पॉलिसी है। लेकिन
5000 रुपये रिफंड आपका तभी होता है जब आपको कोई कॉलेज नहीं मिलती है। अगर आपको कोई कॉलेज मिलती है, वो पसंद नहीं आती है, आप वहाँ पे नहीं जाते हो, तब भी वो आपके 5000 रुपये रिफंड नहीं होते हैं। तो इस बात का अच्छे से ध्यान रखना। और कोई भी प्राइवेट कॉलेज आप भर देते हो तो 100% आपको वो मिल जाएगी, ये मैं गारंटी के साथ आपसे बोल सकता हूँ, चाहे आपके 20 नंबर क्यों ना हो। क्योंकि पिछले सालों का आप रिकॉर्ड देखोगे तो माइनस नंबर पे भी यहाँ पर आपकी प्राइवेट कॉलेज मिली हुई है। क्योंकि बहुत सारी कॉलेज हैं राजस्थान में गवर्नमेंट, तो यहाँ पर अथा भंडार है, ये मान लीजिए कॉलेजों का भंडार है एग्रीकल्चर का राजस्थान में। तो आप कॉलेजों के भंडारे में ना जा करके फिर भी आप ऐसे प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हो ना, तो ये आपके जीवन की बहुत बड़ी भूल हो सकती है। तो ऐसा बिल्कुल मत करना। मैं ऐसा नहीं है कि मेरा किसी प्राइवेट कॉलेज से दुश्मनी है, लेकिन प्राइवेट कॉलेजों का हाल जितना बुरा है राजस्थान में, उस हिसाब से मैं आपसे बोल रहा हूँ कि पैसों को बर्बाद नहीं करना है घर वालों के। अगर आपने 12th अभी पास किया है तो आप दोबारा से गैप ले सकते हो। और उसके अलावा मैं आपसे बोल रहा हूँ, अगर आपके कम नंबर है ना, तो आपके 5000 रुपये जो रिफंड होते हैं इसका फ़ायदा लेना है, चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग में सारी गवर्नमेंट कॉलेज भरनी है, और जो अगर गवर्नमेंट कॉलेज आपको नहीं मिलती है तो 5000 रुपये आपने जिस अकाउंट से पे किया था उसी अकाउंट में वापस आ जाएगा। तो आशा करता हूँ आपके जो चॉइस फिलिंग से लेकर डाउट था वो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो गया, किस तरह से आपको चॉइस फिलिंग करनी है, सब कुछ मैंने यहाँ पे बहुत बारीकी से बता दिया है। तो फिर भी अगर आपके कोई डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। उसके अलावा मैं आपको एक जानकारी और दे दूँ कि आपको एक चॉइस लिस्ट कहाँ पे मिलेगी, जो अभी मैंने एक वीडियो डाला था कट ऑफ का, जिसमें मैंने बताया था कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी कितने नंबर पर मिल सकती है। बहुत सारे लोगों ने उसका बहुत अच्छा लाभ लिया है, कई लोगों ने उसकी बुराइयाँ भी की है कि आपने तो पिछले साल का जो कट ऑफ था उसको ही उठा के डाल दिया। तो भाई, जो पिछले सालों का कट ऑफ रहता है ना, उससे ही अगले साल का आइडिया लगाया जाता है, ये तो उन लोगों को पता ही नहीं है। तो उसकी बात मैं नहीं करूँगा, लेकिन जो मैंने वो PPT बनाया था वो PPT आपको मिल सकता है, लेकिन उसमें मैंने पेमेंट शीट के लिए पर्टिकुलरली कोई अलग से स्लाइड नहीं जोड़ा है। वो आपको ध्यान रखना है, जो मैंने पीछे अभी बातें बताई हैं उनको ध्यान रखना है। वो आपको एक लिस्ट मिल जाएगी, उसमें पहले मैंने गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियों को रखा है, उसके बाद में उनके सब कैंपसों को, उसके बाद में पुरानी गवर्नमेंट कॉलेजों को, फिर नई गवर्नमेंट कॉलेजों को। तो इस तरह से मैंने वो कट ऑफ का वीडियो बनाया। अगर आप उस लिस्ट का यूज लेना चाहते हो तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर वो आपको लिस्ट मिल जाएगी, वो PPT मिल जाएगी। तो उस PPT को लेकर के आप खुद से अपनी लिस्ट बना सकते हो। उसके अलावा आपको जो JET की ऑफिशियल साइट है वहाँ पे भी यूनिवर्सिटियों का, कॉलेजों का लिस्ट मिल रहा है, तो आप उसको भी कर सकते हो। तो ये सारी जानकारी अगर आप फॉलो करते हो तो आप एक अच्छी कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। देखते रहे एग्रो गूगल। आपने हमारा पूरा वीडियो देखा, आपका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।